हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, आज हम करने वाले हैं MCO 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाउ टू डेवलप एन इफेक्टिव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आप किस तरीके से एक बेहतरीन मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को क्रिएट कर सकते हो, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए कुछ और बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपको इन सारे वीडियोस को अरेंज सीक्वेंस में अगर आपको देखना है जिस तरीके से मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के कॉमर्सी पाठशाला चैनल पे आपको विजिट करना होगा। यहाँ से आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको इग्नू एमकॉम में जाना है और एमकॉम में आपको IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 जो की सेकंड के सब्जेक्ट्स हैं उन सब के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जहां आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक स्टार्टअप में कर देता हूं। चलिए फिर चलते हैं। जी हाँ, तो डेवलपिंग एन इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम टू बी यूजफुल टू द मार्केटिंग मैनेजर्स, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बी केयरफुली डिजाइन एंड सेटअप इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी मार्केटिंग मैनेजर के लिए यूजफुल होने के लिए ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को बहुत ही केयरफुली डिजाइन करे और एक तरीके से उसको तैयार करे। ठीक है, अ सिस्टम डेवलप्ड haphazardly or copied blindly from the organizations might prove to be a drag on the company resources, है ना? तो आपने suppose कोई एक system तैयार करा जो कि आपने copy करके किया किसी एक को, या फिर कोई haphazardly बहुत ही hodgepodge तरीके से आपने कोई system तैयार कर दिया, तो आपके लिए वो सही नहीं होगा। वो company के resources को एक तरीके से खत्म करेगा, लेकिन उसका कोई जो benefit है वो आपके business को नहीं मिल पाएगा। The following steps can be helpful in developing an effective marketing information system. तो अभी मैं एक एक करके आपको स्टेप्स बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी हैं, जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छा इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिटरमाइनिंग डिसीजन मेकर्स इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन डिजाइनिंग एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू एसर्टेन इंफॉर्मेशनल नीड्स ऑफ द डिसीजन मेकर्स। सबसे पहले आपको ये डिफाइन करने की जरूरत है कि मार्केटिंग मैनेजर्स को या फिर डिसीजन मेकर्स को ऐसे कौन कौन से इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, या फिर उनको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है जिसके कारण से आपको एक इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करना जरूरी है, है ना? द सिस्टम शुड बी सो डिजाइंड दैट इट इज एबल टू टाइमली एंड एफिशिएंटली सप्लाई द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग, है ना? तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमेशा ही मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन की दरकार होती है। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होंगे तो वो डिसीजन ले नहीं पाएंगे। तो आपको एक ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जो कि टाइमली और इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन सप्लाई करता रहे मैनेजर्स को, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में उनको दिक्कत ना हो, वो डिसीजन मेकिंग ठीक तरीके से कर पाए, राइट? A marketing information system should be able to supply the information for the making both strategic and technical decisions, है ना? तो एक मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वो अच्छा होता है जहां पे आप बहुत मतलब दोनों तरह की जो है आप डिसीजंस ले पाओ उस इंफॉर्मेशन के जरिए। एक तो हो गया स्ट्रेटेजिक डिसीजन और एक हो गया टेक्निकल डिसीजन। तो इन दोनों तरह के डिसीजन अगर आप ले पा रहे हो इंफॉर्मेशन के माध्यम से, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने क्रिएट करके रखा हुआ है, राइट? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर द डिसीजंस व्हिच हैव लॉन्ग टर्म implications and detailed major investment. अब strategic decisions कौन कौन से होते हैं? Strategic decision वो सारे decisions होते हैं जिनका एक long term impact होता है आपकी company के ऊपर, जिसका एक long term influence होता है, right? Whether to enter into a given market or not, क्या आपको किसी नए market में enter करना है या नहीं करना है, या किस segment को आपको target करना है, किस position strategy के तहत आपको जो है काम करना है, be used are examples of the strategy decision. अब ये जो decisions हैं, इसे ही हम कहेंगे strategic decision, और ये एक तरीके से dependent होगा आपके इंफॉर्मेशन के ऊपर जो आप प्रोवाइड करोगे मैनेजर्स को, राइट? अब टैक्टिकल मार्केटिंग डिसीजन के बारे में बात कर लेते हैं। सो द टैक्टिकल मार्केटिंग डिसीजन ऑन द अदर हैंड आर द डिसीजंस हैविंग शॉर्ट टर्म इंप्लिकेशंस एंड आर मेड एट लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जो टैक्टिकल मैनेजिंग डिसीजंस होते हैं, मार्केटिंग डिसीजंस होते हैं, वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म इंप्लिकेशंस होते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं, जिसका तकरीबन जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वहां पे उसका इस्तेमाल होता है, वहां पे उसका इंप्लिकेशन होता है। Okay, should a company react to the changes in prices by the competitor, and if yes, by what amount, what distribution mode to adopt to deliver the goods to a product, a particular customer,
बाई ए स्टिपुलेटेड टाइम ईटीसी आर द डिसीजंस विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टैक्टिकल डिसीजंस, है ना। तो ये जो मैंने चीजें अभी आपको बताई ये सारे डिसीजंस जो है टैक्टिकल डिसीजंस के अंतर्गत आएंगे, तो इसके लिए भी आपको डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी, तभी तो आप वो डिसीजंस ले पाओगे। तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है आपको आपके मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से मिलता है, तो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि किस कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट चाहिए, अगर कॉम्पिटिटर आपका प्राइस बढ़ा देता है तो आपको अपने प्राइसेस को किस हद तक घटाना होगा या क्या आपको मैनिपुलेशन करना होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन मोड जो है गुड्स को डिलीवर करने का किसी कस्टमर को वो क्या होना चाहिए, किस टाइम तक आप डिलीवर करोगे, ये वो टैक्टिकल डिसीजंस है जो कि आपको लेने पड़ते हैं बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन दैट यू विल गेट फ्रॉम योर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, राइट। So, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी इंपॉर्टेंट है। द डिटरमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द मैनेजर्स इज अ डिटेल्ड टास्क, डेडिकेटेड टास्क शुड बी हैंडल्ड विद अटमोस्ट केयर। अब इसका ध्यान ठीक तरीके से रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन इज अन डिसफंक्शनल, ज्यादा अगर आप सप्लाई करोगे इन्फॉर्मेशन का तो वो भी डिसफंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये इसका बात का भी आपको ध्यान यहाँ पे रखना होगा। नाउ द सेकंड पॉइंट, एस्टैब्लिशिंग डेटा कलेक्शन एंड स्टोरिंग प्रोसीजर्स, है ना। तो एक अच्छा मार्केटिंग सिस्टम तैयार करने के लिए, उसके सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डेटा कलेक्शन है उसको आप ठीक तरीके से एस्टैब्लिश करो और उसको ठीक तरीके से आप स्टोर करके रखो, है ना। इलैबोरेट प्रोसीजर्स शुड बी लेड डाउन टू इंश्योर टाइमली एंड इफिशियंट कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो जब आप इलेबोरेट प्रोसीजर्स करते हो, जब आप डिटेल में हर एक प्रोसीजर को करते हो और आप यू नो टाइमली और एफिशिएंट कलेक्शन करते हो, प्रोसेस करते हो उस सारे डेटा का, तो उसका जो हेल्प जो है वो आपको मिलता है और एक तरीके से यू नो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है इसी तरीके से काम करता है कि वो अच्छे डेटा जो भी डेटाज होते हैं उसको वो इलेबोरेट वे में बहुत ही डिटेल में जो है वो उसको एफिशियंटली कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है और स्टोर करके रखता है। इन द एबसेंस ऑफ सच प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस इधर right type of data might not be gathered or else these might not be properly processed and stored to be any of the use to the decision makers. अगर आप इन सारे चीजों का ध्यान नहीं रखोगे, अगर आप अच्छे प्रोसीजर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर आप सही प्रोसीजर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो जो भी आप डेटा इकट्ठा करोगे हो सकता है वो यू नो रेलेवेंट ना हो, हो सकता है वो सही ना हो, रॉन्ग डेटा हो, या फिर जो भी आप लोगों ने डेटा स्टोर करके रखा है वो डिसीजन मेकर्स के किसी काम में ही ना आए, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप डेटा कलेक्शन को एस्टैब्लिश करो और जो आपका स्टोरिंग प्रोसीजर्स है उसके ऊपर ध्यान दो, ताकि जो राइट डेटा है वो आपका सही टाइम पे आपके सामने आ पाए, राइट। There should be clearly laid down provisions for periodically updating the data so as to keep the management abreast of latest developments in the market. अब यहाँ पे आपको इस बात की भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप you know बहुत ही समय समय पे आप क्या करो, आप अपने डेटा को अपडेट करते रहो, पीरियोडिकली आप अपडेट करते रहो, पीरियोडिकली मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है या फिर ईयरली हो सकता है, तो पीरियोडिकली अपने आपको अपने डेटा को अपडेट करते रहना पड़ेगा ताकि जो भी मार्केट में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक है। तीसरा पॉइंट है डिटरमाइनिंग प्रोसीजर फॉर इन्फॉर्मेशन यूटिलाइजेशन। अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, है ना। तो प्रोसीजर्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनालिसिस एंड यूसेज ऑफ कलेक्टिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सम टाइम जो प्रोसीजर्स होते हैं वो उसकी भी आवश्यकता पड़ती है कि जो भी डेटा आप लोगों ने इकट्ठा करा है आपके एनालिसिस के जरिए उसको आप किस तरीके से यू नो उसका इस्तेमाल करोगे, है ना। तो प्रोसीजर्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनालिसिस, आपको अगर एनालिसिस करना है, अगर आपको कलेक्टेड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है तो उसके लिए आपको एक सही प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केटिंग मैनेजर शुड बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दे कैन यूज द सेम इन डिसीजन मेकिंग। तो जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं उनको डेफिनेटली अवेयर होना चाहिए कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है और किस तरीके से आप उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल डिसीजन मेकिंग में कर सकते हो। तो मार्केटिंग मैनेजर्स को यहाँ पे एक तरीके से ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज टाइमली सप्लाइड टू द मैनेजर्स एंड व्हेन दे रिक्वायर इट। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली या फिर टाइमली जो है एक तरीके से सप्लाई होता रहे मैनेजर्स तक, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन ले सके, जब भी उनको जरूरत पड़े उनको चीजें जो है मिल जानी चाहिए, उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जानी चाहिए, राइट। द डिसीजन मेकर्स should be made familiar with the procedure used in the data collection and processing stages so as they can access the extent
बिकॉज दे कैन रिलाई अपॉन द इन्फॉर्मेशन, है ना। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो फेमिलियर होने चाहिए उस प्रोसीजर के तहत, उस प्रोसीजर के साथ जिसके जरिए, जिस प्रोसीजर के साथ आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो या फिर प्रोसेस कर रहे हो, ताकि जब वो उस चीजों को देखे, उस चीज को समझे, तो वो ठीक तरीके से एक्सेस कर पाए कि किस हद तक वो इस डेटा पे रिलाई कर सकता है, किस हद तक वो इस डेटा पे एक तरीके से भरोसा कर सकता है। तो मैनेजर्स को एक तरीके से कोऑपरेटिवली काम करने की बात यहाँ पे बोली जा रही है। द सिस्टम शुड बी सो डिजाइंड दैट इट इज यूजर फ्रेंडली एंड इफ रिक्वायर्ड मैनेजर्स ऑन देयर ओन शुड बी एबल टू रिट्रीव एंड मेक यूज ऑफ द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। तो आपको अपने सिस्टम को, अपने प्रोसीजर को कुछ इस तरीके से डिजाइन भी करना चाहिए ताकि वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो, ताकि अगर जरूरत पड़े तो मैनेजर जो है वो खुद से भी डेटा को रिट्रीव कर सके, मतलब निकाल सके, और उसका इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर्ड है उसका वो ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना। चलते हैं चौथे नंबर पॉइंट की तरफ, जो कि है प्रॉपर लिंकेज अमंग कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बीच में आपस में एक अच्छा लिंकेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें एक दूसरे से लिंक रहे तो आपको हर एक काम करने में आसानी मिलती है, राइट। ईच ऑफ द फोर कंपोनेंट्स और सब सिस्टम ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम विद एग्जाम्पल दिया गया है, इंटरनल रिपोर्टिंग मार्केट सिस्टम, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम एंड एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम। ये चार पॉइंट्स है या फिर सब कॉम्पोनेंट्स है जो की मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के हैं, और इन सब के बीच में एक अच्छा लिंकेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड बी प्रॉपरली लिंक्ड विद ईच अदर एंड देयर शुड बी मोस्ट कोऑर्डिनेशन अमंग देम टू इंश्योर अटेनमेंट ऑफ द कमांड दैट इज प्रोविजन ऑफ टाइमली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू द मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स, है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली कि इन सब के बीच में अगर अच्छा कनेक्शन होगा, अच्छा अगर लिंकेज होगा, तो इंफॉर्मेशन को आप अपने मार्केटिंग मैनेजर्स तक, अपने मैनेजर्स तक सही टाइम पे अच्छे तरीके से पहुंचा पाओगे जब इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, है ना। ताकि जो आपका कॉमन गोल है, जो आपका कॉमन गोल है कि आप अपने मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सको, आप उस गोल को अचीव कर सकते हो। इन अ नटशेल अगर ओवरऑल बात करें, व्हेन द कंपनी शुड स्ट्राइव फॉर इट्स इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम, है ना। अगर देखा जाए तो हर एक कंपनी को यह कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो मार्केटिंग सिस्टम वो इंटीग्रेटेड हो, लिंकेज हो हर एक पार्ट का एक दूसरे के साथ, ताकि आप काम ठीक तरीके से कर पाओ। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट व्हिच इज इफिशिएंट रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम। अ गुड मार्केटिंग सिस्टम इज वन दैट इज एबल टू प्रोवाइड क्विकली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू द मार्केटिंग टू द डिसीजन मेकर्स एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द कंपनी, है ना। तो एक अच्छा मार्केटिंग सिस्टम हम उसे ही कहेंगे जो कि क्विकली और एक रिलायबल इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकर्स को प्रोवाइड कर सके, ताकि कंपनी जो है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर डिसीजन ले सके और कंपनी का उसमें खर्चा भी कम हो, है ना। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम काम करेगा। फर्दर मोर द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिजाइंड दैट इट इज केपेबल ऑफ कोपिंग विद द चेंजिंग मार्केटिंग एनवायरमेंट एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिसीजन मेकर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ये भी बात बोली जा रही है कि एक मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए जो कि एक तरीके से कोप कर सके जो मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ। आपको पता है कि मार्केट में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं जब भी आप बिजनेस करते हो, तो एक ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपको तैयार करना होगा जो कि मार्केटिंग में, मार्केटिंग जो इन्वायरमेंट है उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ वो कोप कर सके, उसके साथ वो चल सके और वो जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके डिसीजन मेकर्स को, ताकि वो उसके बेसिस पे डिसीजंस ले पाएं और एक इफेक्टिव मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट कर पाएं। इन अ ब्रीफ गुड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज वन दैट इज यूजर ओरिएंटेड। एक अच्छा मार्केटिंग सिस्टम वही है जो कि यूजर ओरिएंटेड है, जो कि यूजर के चीजों का ख्याल रखता है, जो कि यूजर तक सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंचा पाता है। इट शुड बी एबल टू मीट मैनेजर्स करंट एज वेल एज फ्यूचर इंफॉर्मेशन नीड्स। अब इसके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मार्केट जो मैनेजर है उसका जो करंट नीड है या फिर जो फ्यूचर नीड होने वाला होगा उसके बारे में वो ध्यान रखे या फिर उसको वो पूरा करता हो, उसे ही हम अच्छा एक मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे। बोथ द ऑपरेटिंग एंड सपोर्टिंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड एज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे डिसीजन मेकिंग एज वेल एज फॉर स्ट्रेटेजीज मेकिंग एंड एनालाइजिंग एंड प्लानिंग, है ना। तो जो भी ऑपरेटिंग एंड सपोर्टिंग सिस्टम है उसको भी ठीक तरीके से इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि वो सही इंफॉर्मेशन जो है कैपेबली डे टू डे डिसीजन मेकर्स तक प्रोवाइड कर सके, किया जा सके, ताकि डिसीजन मेकिंग का जो काम है वो ठीक तरीके से हो पाए और जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है, एनालिसिस है एंड प्लानिंग है, इन सब ये जो सारे फंक्शंस होते हैं वो भी ठीक तरीके से हो पाए। तो इन सब चीजों का ठीक तरीके से काम करने के लिए मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ठीक तरीके से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम तैयार करने के लिए आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आप एक इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम तैयार कर सको और आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर के
जा पाओ। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहां पे मैंने डिटेल में आपको बताया है बुक्स के टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से आप एक इफेक्टिव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, या फिर एक अच्छा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखो। बाय। थैंक यू।